नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं, मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय में युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीते 17 जुलाई से अपहृत कन्हैया का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। पूरा मामला पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव का है। वहीं आज अपहृत के परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर अपहृत की बरामदगी को लेकर एसपी पंकज कुमार से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि पिपरिया थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव निवासी सचिदानंद सिंह के पुत्र का अपहरण नगर थाना क्षेत्र के विद्यापीठ चौक के समीप से बीते 17 जुलाई को कर लिया गया। अपहृत की बहन की माने तो कन्हैया का गांव के ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 10 जुलाई को लड़की की शादी जमुई जिले के एक लड़के के साथ संपन्न हुई, जिसके बाद कन्हैया के द्वारा लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लड़की को मैसेज किया जा रहा था, जिसकी भनक ससुराल वालों को लग गई और ससुराल पक्ष और लड़की वालों ने कन्हैया को विद्यापीठ चौक के समीप बुलाकर अपने साथ ले गए, जिसकी जानकारी कन्हैया ने अपनी मां को फोन पर दिया। उसके बाद से कन्हैया का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। फिलहाल पिपरिया थाना में रामचंद्रपुर निवासी निवास सिंह, मनीष सिंह, गौतम सिंह एवं विपिन सिंह के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया है, जिसके बाद से सभी लोग घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। वहीं एसपी पंकज कुमार ने बताया कि एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है, अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 17 तारीख से लापता है 3 बजे से। 1 बजे तो मेरी बात हुई थी उससे, ऑफिस से मैं दिल्ली से फ़ोन की थी, तब मेरी बात हुई थी। वो वहाँ बैठा था बाबा ढाबा पे, हमने कॉल किया, भाई क्या कर रहा है, बोल रहा खाना खा रहा हूँ। फिर मैं जब शाम को 5 बजे घर आई तो मम्मी और बता रही थी कि ये सब आए थे, विपिन सिंह, ये मनीष कुमार, गौतम सिंह और उसका भाई अभिमन्यु कुमार, सब ले करके गए। भाई को कॉल कर, तेरा कॉल रिसीव करेगा वो। मैं कॉल करने लग गई तो फ़ोन स्विच ऑफ आने लग गया मेरे भाई का। फिर मैंने उन दोनों के नंबर पे कॉल किया, उन्होंने भी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उनकी एक चाची है, वो भी अभी भागी हुई है फिलहाल घर से, घर में नहीं है वो भी, उसके फ़ोन पे फ़ोन किया मैंने, फ़ोन कर रही हूँ, रिंग जा रहा है, कॉल उठा के फिर मेरा कॉल कट कर देते थे। उसकी लड़की से उसका चक्कर चल रहा था, लड़की का फोटो मेरे पास है, वो भागने वाले थे दोनों एक दूसरे के साथ। मेरे पास कॉल भी किया, दीदी मेरे लिए रूम ढूंढ के रख दे, मम्मी के पास भी कॉल किया, हमने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पोती लगेगी, हमारे रिश्तेदार में आती है, हमने मना कर दिया। हमने बोला भाई उसकी शादी हो जान दे, पर वो लड़की हर बार भाई को धमकी देती थी, मैं जहर खा लूँगी अगर जो तू लेके नहीं चला। फिर भी जो भी मेरे को भाई फ़ोन करके बताता था, मैं उनके घर में फ़ोन करके बताती थी कि अपनी लड़की को संभाल लो। उस बच्ची की शादी हो गई थी, उस लड़की का 10 तारीख को शादी हुआ, 12 तारीख को फिर उस लड़की ने, आजकल सोशल मीडिया तो आपको पता है, फेसबुक आईडी सबको याद रहता है, उसके फेसबुक आईडी पे मैसेज किया होगा कि मुझे यहाँ से लेके चल, अपने हस्बैंड का नंबर दिया, उसके अपने हस्बैंड का नंबर दिया होगा, मेरे भाई ने उस पर उसके साथ जो भी फोटो वगैरह होगा सारा मैसेज कर दिया कि ये लड़की मेरे साथ इसका चक्कर चल रहा है। वो लोग फिर 16 तारीख को मेरे घर पे घुसे, मेरा भाई तो निकल चुका था घर से कपड़े लेकर के, वो लोग मेरे घर घुसे, मेरा छोटा वाला भाई घर पे था, मेरे पापा थे, इन दोनों को मारा। इसमें पूरे गाँव वालों ने देखा है कैसे मारा मेरे पापा, क्यों, क्योंकि उसे बुला तो नहीं। क्या लग रहा है आप लोगों को, अब क्या बताऊँ, आज मैंने सुबह उनके घर में पूछा तो उनकी मम्मी चिल्ला के कह रही मार दिया है, मार दिया है, अब दो बचा है, दो मतलब कि मेरे पापा मेरे भाई बचे हैं, अब इन दोनों की बारी है। लोग एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन कह रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्रवाई, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करो, पर मेरे को अपने भाई का बॉडी तो ढूंढ करके दो, जब हम उनका अंतिम संस्कार भी कर सके। 3 दिन हो चुका है, कोई आम बात नहीं है 3 दिन। गाँव में आजकल जिसने भी बोला हो, दो और नाम ऐड है कि हाँ भाई उन लोगों ने भी उसका साथ दिया है, क्योंकि वो बैठ करके उस कन्हैया कहाँ था विद्यापीठ चौक पे किसी को नहीं पता था, उन्हीं दोनों को पता था। कन्हैया नाम का लड़का एक मिसिंग है, पुलिस कोई संबंध में जानकारी उसके परिवार के द्वारा दी गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने जो अभी तक अनुसंधान किया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कन्हैया का पड़ोस की ही लड़की से पूर्व में संबंध था, जिस लड़की की शादी हो गई है और शादी हुए मुश्किल से 10 से 12 दिन हुए हैं, और इसी दौरान शादी के बाद भी इस लड़का से उस लड़की के संबंध रहे हैं। इसी क्रम में जब जानकारी हुई है लड़की के ससुराल वालों को या फिर लड़की के परिवार को, तो उन लोगों ने इसे कन्हैया को मिलने के लिए बुलाया है, माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है, और उसके बाद से कन्हैया मिसिंग है। अपहरण का केस 5 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किया गया है, पुलिस अनुसंधान कर रही है। इस संबंध में एसआईटी गठित है, एसआईटी की टीम ने लड़की की जहां शादी हुई है वो जमुई जिला का कोनी गांव है, वहां पर जाकर भी अनुसंधान किया है, वहां से भी सारे लोग फरार हैं। मामला तो निश्चित तौर पे लड़की पक्ष की भूमिका संदेहास्पद लग रही है और पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है।